हमें तो कल एक ना एक दिन जाना है, और हमारे साथ ये आंख भी जानी है, ये दृष्टि भी जानी है, सब जानना है। हाँ, मरणोपरांत हम ये दुनिया फिर से देख सकते हैं। देखो कितना अच्छा अनुभव है कि हम गुजरने के बाद भी, हमारा नेत्रदान होने के बाद, हम किसी की आंखों के जरिए ये दुनिया फिर वापस देख सकते हैं। आज भारत में तकरीबन कॉर्नियल ब्लाइंडनेस जो बोलते हैं, जिसको ठीक पड़ी है, ऐसे 50 लाख लोग आज भारत में हैं। और आपको आश्चर्य लगेगा कि हमारे यहाँ भारत में आज एक साल में खाली 50 से 60 हजार लोगों को नेत्रदान होता है। आरोग्य जागृति। लेकिन आज हम बात करेंगे नेत्रदान के ऊपर। ये बहुत बड़ा विषय है, बहुत गंभीर विषय है, और बहुत लोगों की जान भी बच सकती है। हम आज आए हैं अहमदनगर साई सूर्या नेत्रालय में, जो यहाँ पे नेत्रदान की जो रक्त पेढ़ी है, नेत्रदान जो पेढ़ी, इनका जो बैंक है, ये 25 साल हो चुके हैं इसे। इसी के ऊपर हम डॉक्टर प्रकाश जी कांगरिया से बात करेंगे, जो एशिया में इनका नाम है। इन्हीं से बात करेंगे, नेत्रदान किसे कहते हैं, नेत्रदान क्यों किया जाता है, नेत्रदान करने के बाद कितने लोगों को उसका अनुभव या उसका फ़ायदा लाभ हो चुका है, ये हम डॉक्टर प्रकाश जी कांगरे जी से बात करेंगे। चलिए डॉक्टर साहब, आरोग्य जागृति में फिर से एक बार आपका स्वागत है। साहब, हम आपने हमें, हमारे दर्शकों को हमेशा एक नया संदेश दिया है। आज हम ऐसी ही नेत्रदान, आपके पास जो बैंक है, इसको 25 साल हो चुके हैं, और सर हम नेत्रदान के बारे में आज जानकारी हम दर्शकों को देना चाहते हैं। तो आप बताइए, नेत्रदान किसे कहते हैं? आरोग्य जागृति के सभी दर्शकों को साई सूर्य नेत्र सेवा की तरफ से मैं डॉक्टर प्रकाश कंकरिया, माजी अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य नेत्रतज्ञ संगठना और रिफ्रैक्टिव सोसाइटी इंडिया का संस्थापक अध्यक्ष हूँ। मुझे इस बात की खुशी है कि आज का जो विषय है और आज की ज़रूरत है, ये है नेत्रदान। जैसा आपने एक सवाल पूछा था कि नेत्रदान होता क्या है, काफ़ी लोगों में ये गलतफहमी है कि नेत्रदान यानी पूरी आँख निकाली जाती है मरणोपरांत और पूरी आँख बैठाई जाती है। यदि आप ये मॉडल देखेंगे तो इसमें ये जो आँख है, ये पूरी आँख का एक कैमरे जैसा ये आँख है, और इसमें ये कॉर्निया होता है, इसको हम एक कैमरे की लेंस बोलते हैं। ये जो कॉर्निया है, ये पारदर्शी होता है हमेशा के लिए, और इसकी जो समतलता है वो ऐसी है कि इसके कारण प्रतिमा ये रेटिना के ऊपर आती है और इंसान को दिखता है। यदि ये पारदर्शकता किसी कारण, इन्फेक्शन के कारण, चोट के कारण और कुछ और समस्या के कारण, यदि ये पारदर्शकता निकल जाए और यहाँ सफ़ेद धब्बा आ जाए, या उसको टीक बोलते हैं हम, इसके ऊपर टीक आ जाए, तो ये दिखना इंसान का बंद हो जाता है। और हमारे भारत में आज हम ऐसा बोलते हैं कि इसको कॉर्नियल ब्लाइंडनेस बोलते हैं, ये कॉर्निया के कारण जो अंधत्व आता है उसे कॉर्नियल ब्लाइंडनेस कहा जाता है। भारत में, सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉर्नियल ब्लाइंडनेस अपनी भारत में होता है, और उसके कारण भी है कि हमारे यहाँ खेतों में जब हम काम करते हैं, विशेषकर हमारी 80% जनता जो है ये खेतों में काम करती है, मजदूरी करती है, घास काटती है, अनाज काटती है और कुछ काफ़ी गतिविधियां करती है, तो वहाँ भी उनको काफ़ी बार वो आँखों को उस काम करते समय कुछ चोट लगती है, कुछ उसके अंदर फॉरेन बॉडी जैसा घुस जाता है और उसके कारण इन्फेक्शन हो जाता है। ये इन्फेक्शन के कारण क्या होता है, ये जो दीदा है, कॉर्निया हम जैसे कहते हैं, ये दीदा इन्फेक्शन के कारण सफ़ेद हो जाता है, खराब हो जाता है और ये नाकाम हो जाता है। ये दीदा जो है, ये मरणोपरांत जब हम नेत्रदान करते हैं तो हम ये पूरी आँख नहीं निकालते, ये खाली वो मृत व्यक्ति जिन्होंने अपना एक सत्कर्म किया है उनका खाली वो कॉर्निया जो है ये हिस्सा निकालते हैं, आई बैंक में लेके आते हैं। हमारी नेत्र पेढ़ी है मानकन्या आई बैंक, वहाँ हम लेके आते हैं। इसके ऊपर कुछ रासायनिक प्रक्रिया की जाती है ताकि ये अच्छा रहे और काफ़ी दिन तक अच्छा काम कर पाए। ये प्रक्रिया करने के लिए जब ये हम
कॉर्निया लेके आते हैं, यही कॉर्निया जिसे कॉर्नियल ब्लाइंडनेस है, आँखों के ऊपर कोई टिक गिर के अंधापन आ गया है, उस व्यक्ति का वो कॉर्निया हम निकाल देते हैं और ये कॉर्निया उसको बैठाया जाता है। ये जो पूरी प्रक्रिया है इसे नेत्ररोपण शस्त्रक्रिया कहते हैं। अभी अपने भारतीय भाषा में हम नेत्ररोपण जब कहते थे लोगों को लगता है कि पूरी आँख निकालते हैं, तो एक्चुअली ये कॉर्नियल ट्रांसप्लांट है। इंग्लिश भाषा में इसको कॉर्नियल ट्रांसप्लांट कहते हैं, जिसमें स्पेसिफिक कहा जाता है कि इतना ही हिस्सा हम निकालते हैं और इतना ही हिस्सा लगाते हैं। ये कॉर्नियल ट्रांसप्लांट का फायदा एक है कि ये एवैस्कुलर है, मतलब इसको कोई रक्तवाहिनी नहीं है, पारदर्शी है। तो ये जब हम निकालते हैं और बैठाते हैं तो इसके अंदर कोई ब्लीडिंग वगैरह ऐसा कोई होता नहीं। दो, एक आँख का जब ये अपन कॉर्निया निकाल के दूसरे व्यक्ति को बैठाते हैं तो उसमें वो उसके शरीर से एकरूप होने की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी अच्छी है। तकरीबन 80-85% लोगों में एक व्यक्ति का कॉर्निया यानी एक व्यक्ति के जो हम पेशी है वो दूसरे व्यक्ति को सूट भी हो जाती है और उसको वो दिखना शुरू हो जाता है। ये जो है कॉर्नियल ट्रांसप्लांट सर्जरी, पहले जब 25-30 साल पहले सिर्फ मेडिकल कॉलेज इसमें की जाती थी और बहुत गिने चुने मेडिकल कॉलेज भारत में। तो हमने शासन से काफ़ी मेहनत से परमिशन मांगी और हमें 25 साल पहले ये महाराष्ट्र की पहली प्राइवेट आई बैंक हमें दी गई। तो हमारे माताजी पिताजी के नाम से ये आई बैंक चलती है, इसे मान कर नहीं आई बैंक हम कहते हैं। और इसमें हमने तकरीबन ये 25 सालों में 12,500 के करीब नेत्ररोपण की शस्त्रक्रिया यानी मरणोपरांत नेत्रदान करवाना है, यहाँ लाना है और ये ऑपरेशन थिएटर में दूसरी व्यक्ति को जिसे वो कॉर्निया खराब होने के कारण अंधापन आया है उसे वो हम बैठाने की भी शस्त्रक्रिया कॉर्निया ट्रांसप्लांट की यहाँ करते हैं। सर, ये मानकन्या आई बैंक जो बता रहे हैं 25 साल से हो चुके हैं, इसे आपने काफ़ी लोगों को ये दिया है, सर इसका प्रोसीजर क्या है और कैसा करना चाहिए और आपके आई बैंक से जुड़ने के लिए क्या करना पड़ता है? नेत्रदान ये प्रक्रिया जो है ये ऐच्छिक है यानी ऑप्शनल है और यानी कोई भी अपनी मृत व्यक्ति घर में की कोई हो जाती है तो उनके घर वालों की वो सोच होती है कि अभी इनका जो देह है इसका दहन या दफन किया जाएगा और ये इनकी जो आंखें हैं ये ऐसे ही जो काम आ सकती है। अभी नेत्रदान के साथ देहदान भी करते हैं, अवयव दान भी करते हैं, अभी काफ़ी चीज़ें समाज में अभी ऐसा ऐसा आ रही है। तो हमारी आई बैंक को या कोई भी जो नज़दीकी आई बैंक है आप उन्हें फ़ोन कर सकते हो कि ऐसे ऐसे हमारी इच्छा है परिवार की और हमारे पिताजी या माताजी या भाई साहब गुजर गए हैं, उनकी आंखें हमें दान करना है। तो हमारी जो टीम है वहाँ एक घंटे डेढ़ घंटे के अंदर पूरी तैयारी से वहाँ पहुँच जाती है। वहाँ से फिर हम वहाँ की आंखें जो है उस मृत व्यक्ति के वो आंखें जो लाते हैं वो पूरी लाते हैं, तो पूरी आंखें लेके आते हैं हमें आई बैंक में, हम उसे स्टोर करते हैं, उसके ऊपर प्रक्रिया करते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। तो यूजुअली जो आई डोनेशन है ये मरणोपरांत 4-6 घंटे में हो जाना चाहिए, यानी मृत्यु पश्चात ज़्यादा समय नहीं जाना चाहिए, इसलिए थोड़ा जल्दी करना ज़रूरी होता है। सर, जो आई डोनेशन करना चाहते हैं इन्हें कोई फॉर्म अगर या इनकी गैर समझ है कि भाई हम आप कैसा बुलाएं, इनके पास पहला कोई नोंद करना पड़ती है या जैसा भी आई डोनेट करते हैं तो ये कौन से व्यक्ति को बिठाया जाता है और इसमें कितना रिजल्ट आता है? सर देखिए, आई डोनेशन के लिए पहले कोई फॉर्म भरना चाहिए ये लोगों का शायद गलत फहमी है, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। आई डोनेशन के फॉर्म भरना ये लोगों में उसके प्रति ज़्यादा जानकारी मिले और लोगों में ये जो संदेश है वो ज़्यादा फैले, इसलिए किए जाने वाली एक्टिविटी है। ऐसी कोई ज़रूरी नहीं कि आपने नेत्रदान का फॉर्म भरा हो तो ही आई डोनेशन किया जाता है, नहीं। ये तो मृत्यु पश्चात अपने शरीर का तो अपना अधिकार निकल गया है, ये तो घर वालों को अधिकार है कि उन्होंने अपने शरीर का क्या करना है। तो हाँ, आप अपने घर वालों को बोल सकते हैं कि कभी ऐसे गलती से मेरा समझो निधन हो गया
वो तो हर एक का होना ही है कभी ना कभी, तो मुझे मेरी आंखें दान करना है, तो वो उनको भी मालूम पड़ जाता है कि आपकी इच्छा है तो वो करके देते हैं। यूजुअली जो है ये जो नेत्रदान करके जो हम आंखें जो डोनेट करते हैं, ये नेत्रदान की वाली जो आंखें है डोनेट जो की जाती है, वो किसकी आंखें निकाली है और किसको बैठाई है ये कभी नेत्रपीढ़ी कभी किसी को बताती नहीं, वो भी थोड़ा सीक्रेट रखना पड़ता है कि इमोशनल भाई उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो, वो हिसाब से वो इसमें वो उसके लिए गुप्तता रखी जाती है। अभी नेत्रदान कौन कौन कर सकता है? नेत्रदान कोई भी व्यक्ति कर सकता है, जिसकी इच्छा है वो 100% नेत्रदान कर सकता है। अभी नेत्रदान कौन नहीं कर सकता है? देखिए नेत्रदान कौन नहीं कर सकता है, जिसे निमोनिया या ऐसे कोई बीमारी हो जिसमें पूरे शरीर में वो बीमारी फैल गई हो और उसके कारण आँखों के अंदर भी इन्फेक्शन रहने की संभावना है, तो आप नेत्रदान नहीं कर सकते। यदि आपका फांसी लेके मृत्यु हुआ हो या स्ट्रैंगुलेशन से हुआ हो तो भी आप नेत्रदान नहीं कर सकते। यदि आपको इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस जैसे जॉन्डिस या जैसे तुम्हारे ब्रेन की भी जो बीमारियां होती है मैंने मेनिंजाइटिस की जैसी, वो भी बीमारी में आप नेत्रदान नहीं कर सकते। ये कुछ ऐसी गिनी चुनी हरकतें हैं जहां आप नेत्रदान नहीं कर सकते, मगर नेत्रदान कोई भी व्यक्ति कर सकता है और किसी भी उम्र में किया जाता है। हाँ यूजुअली ऐसा पाया गया है कि 60-70 के आगे जो हम नेत्रदान करते हैं कॉर्निया का, वो हम लेबोरेटरी में पूरा चेक करते हैं कि उसकी यूटिलिटी उतनी अच्छी है कैसी है और उसके बाद उसका इस्तेमाल किया जाता है। हाँ मानवीय उपयोग के लिए उसका उपयोग करना ये नेत्रदान का जो नेत्रपीढ़ी का अधिकार है, नहीं तो समझो हम मानवीय उपयोग को नहीं ला पाए तो उसे रिसर्च के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर साहब जैसा आप नेत्रदान के बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहते हैं, क्या नेत्रदान करने से क्या होता है और अपने में कोई नुकसान नहीं होता है, हम काफ़ी लोगों को जान मतलब दृष्टि ला सकते हैं, इसके लिए हमारे दर्शक को संदेश आते हैं। हमें तो कल एक ना एक दिन जाना है और हमारे साथ ये आँख भी जानी है, ये दृष्टि भी जानी है, सब जाना है। हाँ मरणोपरांत हम ये दुनिया फिर देख सकते हैं। देखो कितना अच्छा अनुभव है कि हम गुजरने के बाद भी हमारा नेत्रदान होने के बाद हम किसी की आँखों के जरिए ये दुनिया फिर वापस देख सकते हैं। आज भारत में तकरीबन कॉर्नियल ब्लाइंडनेस जो बोलते हैं जिसको टीक पड़ी है, ऐसे 50 लाख लोग आज भारत में हैं। और आपको आश्चर्य लगेगा कि हमारे यहाँ भारत में आज एक साल में खाली 50,000 से 60,000 लोगों को नेत्रदान होता है, तो इतना कम नेत्रदान होता है और इतनी बड़ी संख्या है कि जिनको ये कॉर्नियल कोई बीमारी है और उन्हें नेत्रदान की ज़रूरत है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आगे आकर नेत्रदान करना चाहिए। हमारे पड़ोस के जो देश है श्रीलंका वगैरह आप देखोगे वहाँ सरकार ने अधिकार रखा है कि किसी की भी मृत्यु पश्चात सरकार सोचेंगी कि उनकी आँखों का नेत्रदान करना है, वो उस व्यक्ति पर या फैमिली पर निर्भर नहीं करते, तो उनके यहाँ सिर्फ उनकी ही ज़रूरत वो पूरी नहीं करते, तो सारी दुनिया में वो कॉर्निया जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं बेचते हैं और दुनिया के अंधे लोगों को भी रोशनी मिला के देते हैं। हमारे यहाँ मगर अभी भी जो बोलते हैं हम लोकशाही है, हम सोचेंगे तो ये करेंगे भाई, ये इसलिए समाज में वो जागरूकता आना ज़रूरी है और हर एक को ये लगना चाहिए कि भाई हमारे मरणोपरांत यानी हमारे पिताजी है माताजी है भाई साहब है घर में कि किसी का भी निधन होने के बाद उस शरीर का तो हम यानी जो विलेवाट लगाने वाले हैं, तो कोई दो व्यक्ति का देखो एक आदमी के नेत्रदान से दो अंधे व्यक्ति को दृष्टि आ जाती है, ये भी बहुत अच्छी बात है कि ये जो दान है ये दुप्पट हो जाता है कि आप नेत्रदान करो तो दो अंधे व्यक्तियों को आप दृष्टि दे सकते हो। तो सभी को ये विनती है कि आप इस बात का ज़रूर विचार करें और ये नेत्रदान की जो मुहैया है ये ज़्यादा से ज़्यादा तेज चलाएं। देखा दर्शकों डॉक्टर
प्रकाश जी कांगरिया जी ने हमें काफ़ी अच्छा नेत्रदान के बारे में समझाया है, हमारे जो गलत फहमियाँ हैं ये दूर किए हैं। हम भी चाहेंगे उनके अभियान में हम भी सहभाग होए, हम भी हमारे घर से एक जन का नेत्रदान करें, क्योंकि नेत्रदान करने से उनके मुताबिक उन्होंने बताया कि एक नेत्रदान देने से दो जन को दृष्टि देते हैं। जैसा उन्होंने अभी तक लाखों लोगों की दृष्टि लाया है, उन्हें आँखों का जादूगर बताया जाता है, ये उन्होंने सच करके बताया है। और उन्होंने जो बचपन में सपना देखा था, आज उनके एज के हिसाब से देखेंगे तो उन्हें काफ़ी अनुभव है और उन्होंने सपना सच करके दिखाया है। धन्यवाद दोस्तों। आरोग्य जागृति।